मैं स्माइल से प्रभा आज एक बार आपके साथ फिर से उपस्थित हूँ और स्माइल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज के वीडियो में हम भारतीय मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। इसे थार का मरुस्थल भी कहते हैं। यहाँ आपको मैं इस नक्शे में इसकी स्थिति बताती हूँ। ये देखिए, ये अरावली पर्वत श्रेणियां हैं, इसके पश्चिम में ये भारतीय महामरुस्थल स्थित है। और ये जो क्षेत्र है ये रेत और बालू के टीलों से ढका हुआ एक बहुत बड़ा मैदान है। यहाँ जो बालू के टीले हैं वो हवा के साथ गति करते रहते हैं और उनकी स्थिति बदलती रहती है। और इस क्षेत्र के अंदर बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और बहुत अधिक ताप रहता है। यहाँ जो प्रतिवर्ष बारिश होती है वो 150 मिलीमीटर से भी कम होती है। और इस क्षेत्र में शुष्क जलवायु वाली वनस्पति पाई जाती है जो कि बहुत कम पानी में जीवित रह सके, जैसे कि कैक्टस प्लांट्स आदि। इसी प्रकार यहाँ जो जानवर या प्राणी पाए जाते हैं वो भी कम पानी की आवश्यकता वाले होते हैं। यहाँ पर वैसे कोई भी नदियां नहीं होती है या नहीं दिखाई देती है, पर बारिश के दिनों में यहाँ नदियां दिखाई देती हैं और वो बारिश के पश्चात फिर विलुप्त हो जाती हैं। रेत के जो धोरे होते हैं उन्हीं के अंदर वो नदियां विलुप्त हो जाती हैं। यहाँ इस क्षेत्र की जो सबसे बड़ी नदी है वो लूनी है। और यहाँ पर रेत के जो टीले होते हैं वो अर्धचंद्राकार आकृति में होते हैं, जिसे बरकान कहते हैं। और ये जो रेत के टीले हैं ये भारत पाकिस्तान सीमा के समीप बहुत अधिक प्रमुखता से पाए जाते हैं। बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे तटीय मैदान। बच्चों, प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है और यही भाग तटीय क्षेत्र कहलाता है या तटीय मैदान कहलाता है। इसे हम नक्शे में समझते हैं। देखिए यहाँ, ये देखिए आप, ये सारा प्रायद्वीपीय पठार है, दक्कन का पठार, और ये यहाँ पर इसके पश्चिमी और पूर्वी घाट है। और इनके साथ साथ ये देखिए, ये अरब सागर और इधर हिंद बंगाल की खाड़ी के साथ साथ जो ये तटीय प्रदेश है इन्हीं को हम बोलते हैं तटीय मैदान। ये जो तटीय मैदान है ये पश्चिम में, यहाँ देखिए ये पश्चिम है, ये तटीय मैदान पश्चिम में अरब सागर से लेकर के यहाँ से ये लेकर के देखिए पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैले हुए हैं। बच्चों, जो पश्चिमी तट है ये पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच में स्थित संकीर्ण मैदान है, यानी कि सकड़ा मैदान है। ये जो क्षेत्र है सकड़ा क्षेत्र है। और इस तट के उत्तरी भाग को, ये जो भाग है इसके उत्तरी भाग को कोंकण कहते हैं, जिसके अंतर्गत मुंबई और गोवा आता है। इसका जो मध्य भाग है, ये जो मध्य भाग है इसको कन्नड़ का मैदान कहते हैं, और इसका जो दक्षिणी भाग है इसको मालाबार तट कहा जाता है। अब आप देखिए, बंगाल की खाड़ी के जो मध्य में स्थित जो मैदान है, बंगाल की खाड़ी के साथ जो लगा हुआ तटीय प्रदेश है, इसका जो मैदान है वो विस्तृत है और चौड़ा और समतल मैदान है। इसके जो उत्तरी भाग में इसका हिस्सा स्थित है तटीय प्रदेश का, वो उत्तरी सरकार कहलाता है। और इसके दक्षिणी भाग में जो तटीय प्रदेश स्थित है वो कोरोमंडल तट कहलाता है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, कावेरी ये देखिए, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ये जो नदियां हैं ये इस क्षेत्र के अंदर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। और चिल्का झील, यहाँ देखिए जो चिल्का झील है, चिल्का झील इस पूर्वी तट पर स्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका लक्षण है। बच्चों, ये आपको तटीय मैदान के कुछ पिक्चर्स दिख रहे हैं। और बच्चों, चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये ओडिशा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। तो इस प्रकार बच्चों हमने तटीय मैदानों को समझा। अब हम द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, भारत के पश्चिम में अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है और भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। आइए इसे हम नक्शे में समझें। ये देखिए, ये भारत का पश्चिमी भाग है जिसमें यहाँ पर लक्षद्वीप अरब सागर के अंदर स्थित है, और ये बंगाल की खाड़ी ये पूर्वी भाग है जिसके अंदर यहाँ पर आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दिखाई दे रहा होगा। बच्चों, ये जो द्वीप है ये छोटे छोटे कोरल द्वीपों से बना हुआ है। पहले इसका नाम जो था वो लक्षद्वीप, मिनिकाय तथा एमिनी द्वीप था। इन नामों से लक्षद्वीप को जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया। बच्चों, ये 32 वर्ग किलोमीटर के एक छोटे से क्षेत्र में
फैला हुआ है और क्वारत्ती द्वीप लक्षद्वीप की जो राजधानी है और इसका प्रशासनिक मुख्यालय क्वारत्ती में है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतुओं के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है वहां एक पक्षी अभयारण्य है। अब इधर आप देखिए, इधर बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ, ये बंगाल की खाड़ी है, इसमें उत्तर से दक्षिण की तरफ ये छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखला के रूप में ये जो द्वीप दिखाई दे रहा है ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में हैं और बिखरे हुए हैं। ये देखिए छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत अधिक संख्या में और बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः दो भागों में बटा हुआ है। उत्तर में तो इसके अंडमान कहलाता है और दक्षिण में ये जो भाग है ये निकोबार कहलाता है। और यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप तथा जंतुओं में बहुत अधिक विविधता होती है। यानी कि यहाँ पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं और जो वनस्पति पाई जाती है वो बहुत अधिक विविधता लिए हुए है। और ये द्वीप जो भूमध्य रेखा या विषुव रेखा के समीप है और यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यह घने जंगलों से आच्छादित द्वीप समूह है। बच्चों हम प्रवाल के बारे में जानते हैं कि प्रवाल क्या होते हैं। प्रवाल यानी कि कोरल। प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्राव होता है। प्रवाल स्त्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, यानी कि ये छोटे छोटे टीले बनाते हैं और ये टीले बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति तथा प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये प्रवाल रोधिका का उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार होते हैं तथा हॉर्सशू आकार वाले प्रवाल रोधिका होते हैं। यानी प्रवाल रोधिका हॉर्सशू आकार के होते हैं और प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार होते हैं। जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। बच्चों हमने भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में पढ़ा, जैसे हिमालय पर्वत, मरुस्थलीय भाग, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, रेगिस्तानी इलाका, इन सभी के बारे में पढ़ा। ये जो भौगोलिक क्षेत्र होते हैं ये एक दूसरे के पूरक होते हैं और वो देश को प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध बनाते हैं। यानी इन सभी क्षेत्रों में कोई ना कोई प्राकृतिक संसाधन पाया जाता है। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के स्रोत हैं, जैसे कि हिमालय पर्वत है वहां पर जल प्रचुर है और वन है। उत्तरी मैदान जो है देश के अन्न भंडार हैं, क्योंकि वहां पर जो लाई गई मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ है तो वहां पर अन्न का उत्पादन अच्छा होता है। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास हुए हैं। और जो पठारी भाग है ये खनिजों के भंडार हैं जिसने देश के औद्योगिकीकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए बहुत अधिक उपयुक्त है। इस प्रकार देश की विविध जो भौतिक आकृतियां हैं भविष्य में विकास के लिए अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। यानी कि इन सभी से भविष्य में भी हमारा इसी प्रकार विकास होता रहेगा। तो बच्चों इस प्रकार इस अध्याय के अंदर आपने भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में जाना और समझा। आप इस वीडियो को देखें, समझें और इसके स्वयं नोट्स बनाएं और अपने अनुभव मुझे शेयर करें। थैंक यू।